Yes, everyone is ready? Yes, confirm. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, sir, now? Yes, yes, sir. So this, yes, sir. सारे लोग को याद है ये अभी. Different types of operating system. So first one is CUI, another one is GUI. CUI means character user. Character user interface. And another one is GUI, graphical user, user interface. Another one is graphical user interface. So these are two types of, दो तरह का कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना. सो फर्स्ट वन इज CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड सेकेंड वन इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड आउट ऑफ दीज टू जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, any user can easily use. बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं. Why? Because it is icon based. ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आइकन बेस्ड होता है. सब कुछ क्लिक करना पड़ता है और इसमें हम लोग कर सकते हैं सब कुछ, आइकन बेस्ड होता है. तो इस कारण से हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली एक्सेस, मतलब इजीली यूज करते हैं, ठीक है ना. अब इसके लिए कोई ऐसा, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ग्रोसरी शॉप वाले जो है वो भी इसको चला सकते हैं. ये एक नॉर्मल, जिसको थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश आता है तो वो पढ़ के सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना. और ये सब कुछ क्लिक बेस्ड है, आइकन बेस्ड है. तो ये बहुत ही आसान है. आजकल आप देखते हैं कि मार्केट में सब लोग यूज करता है कंप्यूटर, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि ये हमारा, इसके पीछे कौन है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है. बट ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऊपर वाले हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है सब लोग इसको यूज नहीं कर सकता है. ओनली एक्सपर्ट्स विल, कंप्यूटर एक्सपर्ट विल. सो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ओनली हैंडल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैंडल मींस व्हाट, दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस. कोई कुछ भी करना हो तो अगर कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओनली कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पीपल विल यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ओनली कंप्यूटर एक्सपर्ट्स विल यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम. अगर इस कंप्यूटर में अगर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट ही उसको यूज कर पाएंगे. लेकिन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एनी ब्रेलेस कैन यूज, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना. बट हियर एवरीवन कैन नॉट यूज, ओनली कंप्यूटर पीपल विल यूज, ठीक है ना. तो दिस वन इज इजी फॉर एनी यूजर, कोई भी यूजर इसको चला सकता है. अब देखिए हमारे पास इन दोनों के बेसिस पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI है. कंप्यूटर लैब में हम लोग का जितने भी कंप्यूटर हैं सारे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. सब कुछ हमें क्लिक करते हैं. यार क्लिक करने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए,
अब ये डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी अगर हमको रिसाइकल पिन में जाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक आइकन है, जस्ट क्लिक किया, अब रिसाइकल पिन में हम चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये किसी हमको सॉफ्टवेयर ये ओपन करना है तो क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक किए और ये ओपन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। सो एवरीथिंग ये रिसाइकल बिन में है, इसलिए नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर जैसे ये फाइल को ओपन करना है तो जस्ट क्लिक किए, ओपन हो गया। सो ये सब कुछ यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन रहता है, इसलिए इजीली एनी यूजर कैन यूज दिस सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे रिकैप कराना था। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऐसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जीयूआई नहीं होता है, ये क्या होता है, सीयूआई होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। सब कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। अगर हमको कोई गाना सुनना है तो गाना सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो गाना चलेगा, म्यूजिक चलेगा। लेकिन इस वाले में क्या होता है, जस्ट एक आइकन रहता है, क्लिक करते हैं, हमारा गाना स्टार्ट हो गया। तो इस वाला ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफिकल्ट होता है यूज, नॉर्मल यूजर इसको नहीं यूज कर पाएंगे, और इसमें नॉर्मल यूजर यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हम दो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जीयूआई बेस्ड होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सीयूआई होता है। बेसिकली और भी बहुत सारा डिटेल इसका है लेकिन उतना आपको नहीं जानना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये दो तरह का आता है, दो तरह मीन्स अब हमारे जो कंप्यूटर यहाँ पे भी दो फ्लेवर में आता है, ये दो फ्लेवर में, अरे ये दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो सीयूआई एंड जीयूआई, ये भी हमारे सीयूआई जीयूआई में आता है। नाउ कम हियर, सो दिस वन इज, ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जीयूआई बेस्ड है, ठीक है ना। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली जो था ना, बहुत पहले अगर 2000 के बाद 2000 आसपास, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, रिसेंट में अभी ये सीयूआई भी दे रहा है और जीयूआई भी इंटरफेस देता है, ठीक है ना। यूआई इंटरफेस भी देता है और जीयूआई भी देता है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आजकल जो है ब्रेनलेस होने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा आने लगा ऑप्शन यूआई जीयूआई, और इन दोनों के अलावा ये मार्केट में यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस है। दिस वन इज यूजर फ्रेंडली है, ये यूजर इसको आसानी से यूज करते हैं, और ये हमारा इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, लिनक्स बेस्ड में सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, वायरस जो होता है हमारा सिस्टम को अफेक्ट कर देता है इसमें जल्दी, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस रहता है लिनक्स में। अब इन दोनों के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा है, ये दोनों के अलावा भी बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो अनदर वन इज, सो फर्स्ट वन इज सी, आई एम रिमूविंग दिस लिस्ट, फर्स्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वन इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, तो एक दो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सन सोलारियस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो ये दो तीन आप ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिए, बेसिकली ये दोनों आपको याद होना चाहिए। विंडोज हमारे सारे कंप्यूटर लैब में लगे हैं, लिनक्स जो होता है कमांड बेस्ड होता है। स्टार्टिंग जब चैप्टर चल रहा था तो इसको मैं बताया था कमांड इंटरफेस मींस कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं बताया हूँ। अभी बताऊंगा तो मेन हमारा फोकस क्या है, मशीन लैंग्वेज वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया मुझे रिकैप कराना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। नाउ आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज मशीन लैंग्वेज,
So what is this machine language? Already in the last class I have discussed. Today I will discuss the features of machine language. What are the features of machine language? ठीक है ना? Machine language का first features है instruction consists of zeros and ones. अगर हमको machine language में अगर कुछ भी लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो और वन के टर्म में ही लिख सकते हैं। ये लास्ट क्लास में बताए थे ना? Yes. अब मशीन लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने कोई प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम क्या है, 01010 ऐसे प्रोग्राम है, इस तरह से कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है ना, ये मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ। अब ये प्रोग्राम क्या है, किसी ना किसी कंप्यूटर में ही लिखा रहेगा ना, ये किसी ना किसी कंप्यूटर में लिखा होगा। सारे पॉइंट को पूरा बारीकी से ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, जस्ट लाइक ए स्टोरी। तो ये मान लीजिए ये कंप्यूटर नंबर वन पे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब ये जो कंप्यूटर है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है हमारा, सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसी प्रोग्राम को अगर ये सपोज मान लीजिए आउटपुट यहाँ पे कुछ देता है, इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ये कुछ आउटपुट देगा। तो सपोज ये आउटपुट हमारा कुछ जो दे रहा है, सपोज यहाँ पे आउटपुट वो इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारा 11 आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारा 11 आ रहा है। यही प्रोग्राम अगर हम लोग दूसरे कंप्यूटर पे रन करेंगे सेम प्रोग्राम, ये जो लिखा हुआ है उसी प्रोग्राम को अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 01 01 01 01, नेक्स्ट वन इज 00 00 00 01 11 11 11 11, जो भी लिखा है। तो ये सेम ये प्रोग्राम जो है ना, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग इस प्रोग्राम कंप्यूटर में ले जाए, इस ये कंप्यूटर अगर कंप्यूटर 2 है और ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर सपोज इस कंप्यूटर का कंप्यूटर 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, ठीक है ना। ये हमारा कंप्यूटर जो है 1 है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल जो हुआ है विंडोज है, इस कंप्यूटर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है हमारा आउटपुट 11 दे रहा है। इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग इस कंप्यूटर पर रन करेंगे तो हो सकता है कुछ आउटपुट अलग आ जाए, ऐसे आ जाए, या 13 है कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्राम है मशीन डिपेंडेंट होता है। ये जो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस मशीन पे लिखिएगा उसी मशीन के बेसिस पे वो रिजल्ट जनरेट करता है। इसीलिए इस प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। जिस कंप्यूटर पे लिखा गया उस पे जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वही प्रोग्राम, यही पूरा जो प्रोग्राम उठाकर अगर इस पे रन करेंगे तो आउटपुट कुछ दूसरा आ जाएगा। अब ये भी पॉइंट में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लिया वो भी समझिए। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहेगा तभी ये आउटपुट अलग अलग देगा। मे बी सेम ही अगर एक और कंप्यूटर लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, अनदर कंप्यूटर यहाँ पे लेते हैं कंप्यूटर नंबर 3, और यहाँ पर ये कंप्यूटर नंबर थ्री जो है हमारा ये कंप्यूटर 3 है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और ये जो प्रोग्राम 1 यहाँ पे कंप्यूटर 1 में जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम अगर यहाँ पे भी रखें
तो मे भी क्या हो जाए, आउटपुट 17 आ जाएगा, ठीक है ना, मे भी आउटपुट 17 आ जाएगा। तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर में लिखेंगे वो दूसरे प्रोग्राम कंप्यूटर में सेम ही आउटपुट नहीं देता है तो हम बोलेंगे वो हमारा लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखे है वो मशीन डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सर? यस, टेल मी सर, आपका वीडियो अंडरस्टैंड हियर, मशीन डिपेंडेंट होता है। अब अगला बात हो है, जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं ये सारा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझना है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट, यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखे हैं इस कंप्यूटर में उसी कंप्यूटर में ये आउटपुट देगा, और अलग कंप्यूटर में अगर हम इसको रन करेंगे तो ये अलग आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। ये प्रोग्राम मान लीजिए दो नंबर ऐड करने के लिए 5 और 6 के लिए दिया गया, तो 5 6 का आउटपुट 11 आएगा, इस कंप्यूटर में से सही आ रहा है, लेकिन इसी प्रोग्राम को इसमें अगर रन करेंगे तो वो 13 आउटपुट दे जाएगा जो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है मशीन डिपेंडेंट होता है, जिस मशीन पे लिखा गया है प्रोग्राम उसी पे ये रन करेगा, दूसरे पे रन कीजिएगा तो गलत आने लगेगा आउटपुट सर, ठीक है ना। दूसरे मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हो सकता है और दूसरे कंप्यूटर में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? किसी को कुछ भी डाउट है इस पॉइंट में? नो सर। नाउ थर्ड वन इज मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग नॉट पोर्टेबल। अब देखिए पोर्टेबल का मतलब क्या होता है ना, हम लोग जैसे बोलते हैं ये कंप्यूटर जो होता है ना पोर्टेबल नहीं होता, कंप्यूटर पोर्टेबल मीन इजीली वी कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोर्टेबल का नॉर्मल मीनिंग होता है कि वी कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, पोर्टेबल रहेगा कोई तो हम बोलेंगे वो वी कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और पोर्टेबल नहीं है का मतलब कि हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, ठीक है ना, और ये लैपटॉप मान लीजिए हमारा लखीसराय में है, सपोज ये पटना में है ये लैपटॉप, ठीक है। अब ये लैपटॉप को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेम ही लैपटॉप को हम लोग सेम लैपटॉप इस लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये पटना से इजीली हम लोग लेकर जा सकते हैं, कहाँ सेम यही लैपटॉप को हम लोग पटना से आसानी से क्या कर सकते हैं, लखीसराय या सूरजगढ़ा ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। फ्रॉम पटना टू दिस LKR मीन्स लखीसराय, ठीक है ना। तो पटना से इजीली हम लोग लखीसराय को ला सकते हैं। अब मान लीजिए ला सकते हैं मतलब क्या, कैरी करके ला सकते हैं, अपने हाथ में अपने उठाकर इस प्लेस इस कंप्यूटर को यहां से यहां इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर कंप्यूटर के जगह लैपटॉप के जगह कंप्यूटर को करना रहे, ये मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर को पटना से लखीसराय लाने में क्या होगा, इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और नॉट? यस सर, इट इज डिफिकल्ट, बट लैपटॉप इज वेरी वी आर मीन्स लैपटॉप वी कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वी कैन से पोर्टेबिलिटी, यहाँ पर जो लैपटॉप के केस में क्या है पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, इजीली पोर्टेबल है लैपटॉप जो है, इजीली पोर्टेबल है, ठीक है ना, इजीली ये पोर्टेबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट ये देखिए हमारा कंप्यूटर जो होगा, अभी तो कंप्यूटर छोटा है तो पोर्टेबिलिटी हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाए होंगे हो सकता है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक होल स्कूल जो है हमारा वो एक कंप्यूटर पहले होता था सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट था, वो पोर्टेबिलिटी का चांस जीरो था उसका। यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का कंप्यूटर के केस में पोर्टेबिलिटी 50% माने, तो लैपटॉप के केस में पोर्टेबिलिटी 100% है, इजीली वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ठीक है ना। और अगर सुपर इसको पोर्टेबिलिटी करेंगे तो मे बी देयर इज अ चांस ऑफ डैमेज, 50% तो होगा लेकिन मे बी देयर इज अ चांस ऑफ डैमेज ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 100% पोर्टेबिलिटी होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी इज क्लियर टू एवरीवन, मींस इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी कैन मूव। अब देखिए पोर्टेबिलिटी, अब हम लोग यही पॉइंट जो है यहाँ पे समझते हैं पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉट पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल मीन्स पोर्टेबल का मतलब क्या, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम मैंने इस कंप्यूटर पे कंप्यूटर नंबर वन पे कोई प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लेके जाते भी हैं तो वहां पे वो आउटपुट गलत देगा, तो ये हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा इसे, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल नहीं है इस अब ये देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है पटना में, उसको हम यहाँ पर लखीसराय में लाए, ये पोर्टेबल है, ठीक है ना। ये हमारा ये बेनिफिशियल भी है क्योंकि इजीली ये ट्रांसफर हो जा रहा है वन प्लेस टू अनदर, और हमारा कोई डैमेज नहीं हो रहा, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे था वही सिस्टम यहाँ पर भी है, कोई चेंजेज नहीं हो रहा। लेकिन जो हम प्रोग्राम यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे से उठाकर इस पे ला भी दे तो हमारा रिजल्ट जो है वो नहीं रहेगा, वो डिफरेंट आएगा, तो पोर्टेबिलिटी नहीं है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको रन नहीं कर सकते, एक कंप्यूटर से पेन ड्राइव में इस प्रोग्राम को जो फर्स्ट कंप्यूटर से वहां से उठाकर अगर हम सेकंड कंप्यूटर में रख दे और उस प्रोग्राम को रन करें तो हमारा कोई आउटपुट सही नहीं आएगा। तो पोर्टेबिलिटी होगा लेकिन बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है पोर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर से उसको उठा, एक कंप्यूटर से उस प्रोग्राम को पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी अनदर वे वी कैनॉट मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन दिस कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज दिस दिस मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉट पोर्टेबल। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। सो यस, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉट पोर्टेबल मीन्स वी कैनॉट मूव द प्रोग्राम रिटेन इन द प्रोग्राम दैट इज रिटेन इन मशीन लैंग्वेज वी कैनॉट ट्रांसफर टू अनदर कंप्यूटर, अनदर कंप्यूटर में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग। नहीं करने का मतलब क्या हुआ, हम मान लीजिए कंप्यूटर है इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा, सेम वही कंप्यूटर है, कोई इसमें फिजिकली इसमें डैमेज नहीं हो रहा। यहाँ पर डैमेज का मतलब क्या हुआ, ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं ये कि हार्डवेयर नहीं है, दिस वन इज नॉट अ हार्डवेयर, तो डैमेज का मतलब यहाँ क्या हुआ, आउटपुट हमारा गलत नहीं आना चाहिए। प्रोग्राम हम लोग किस लिए लिखते हैं, ये मान लीजिए हम लोग मेरे अकाउंट से बैलेंस निकालने का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मेरे अकाउंट से 10,000 निकल रहा है, यही प्रोग्राम क्या करे इस कंप्यूटर पर अगर रन कर दे वो 20,000 निकाल दे, तो ये तो हमारा लॉस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? यस एवरीवन, नहीं समझ रहा है? ये जो प्रोग्राम 0101 लिखा है, ये तो प्रोग्राम लिखा है किसी ना किसी मतलब इसका यूज होगा ना कोई कारण से लिखा जा रहा था। जैसे मान लीजिए सम ऑफ टू नंबर्स का ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आउटपुट ये 2 दे रहा है, यही प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर्स का अगर इस कंप्यूटर पर सेकेंड कंप्यूटर पर रन करते हैं तो 3 आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है अगर कोई भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो जिस कंप्यूटर पे लिखा हुआ ना उसी कंप्यूटर पे उसको रन करना चाहिए, दूसरे कंप्यूटर पे अगर इस प्रोग्राम को पेन ड्राइव से उठाकर इस सेकंड वाले कंप्यूटर पे लाके अगर रन करेंगे तो आउटपुट अलग आ सकता है। नाउ इट इज क्लियर? यस। स्टिल एनीवन हैव एनी डाउट? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। तो कैलकुलेशन तो रॉन्ग हो जाता होगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जब लिखते हैं लिखा जाता था तो जिस कंप्यूटर पे लिखा जाता है उसी कंप्यूटर पे उसको रन किया जाता था, दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते हैं। हाँ मैं मेहमानी समझ रहे हैं? यस जैसे बहुत बार कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अगर हमको कंप्यूटर पे कैलकुलेट करना, अगर हम उससे कैलकुलेट किए तो उसने 4 आया आंसर, उसने 5 पाया, तो हमको नहीं समझ। राइट टू अंडरस्टैंड, सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा इस कंप्यूटर में, कंप्यूटर 1 में, और ये प्रोग्राम लिखेंगे तो
मशीन लैंग्वेज में क्या होगा, सब कुछ 0-1 के टर्म में लिखा हुआ है। अब यही प्रोग्राम मान लीजिए आपको होमवर्क दिया गया, आपने एक कॉपी में होमवर्क किया, अब ठीक है ना, अब वही होमवर्क मान लीजिए आपको मिला, आपने कंप्यूटर वन में किया, ठीक है, अब वही उसको पेन ड्राइव में लिए, कॉपी कर लिए, और पेन ड्राइव से कॉपी करके जब दूसरे कंप्यूटर में आप मेरे पास लाए चेक कराने के लिए, मैं अपने कंप्यूटर में लगाया तो आपने जो भी बनाया था वो यहाँ पे सब कुछ अलग ही दिखा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, जो आपने बनाया था वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर हम लोग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखते हैं, तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है मशीन डिपेंडेंट, मतलब जिस मशीन पे लिखा हुआ उसी मशीन पे रन हो सकता है, मतलब आउटपुट उसी पे सही आएगा, दूसरे पे ले जाएंगे उसी प्रोग्राम को कॉपी करके पेनड्राइव में, अगर वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर अगर उसको रन करें तो ये क्या करेगा, गलत आउटपुट आएगा, गलत सब कुछ दिखाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होता है, और मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होता है इसीलिए अगर इसको पोर्टेबिलिटी जो है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इट इज नॉट पोर्टेबल, मतलब इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके इस अलग दूसरे कंप्यूटर पर अगर हम रन करें तो क्या आएगा, आउटपुट डिफरेंट आएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होता, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता, पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर नाउ। यस, तो देखिए अगर जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आपके बुक में नहीं है, हम लोग के पास सिलेबस में, हम लोग के पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग 7-8 में ये सब काम करेगा, ठीक है ना, तो इतना आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हैं ना, मैं बहुत ही डेप्थ में बता रहा हूँ, उतना अगर नहीं भी समझ में, आपके बुक में क्या है मशीन लैंग्वेज का मतलब, जो कि 0 और 1 हो वो मशीन लैंग्वेज, वो बात यही बुक में दिया हुआ, लेकिन मैं उससे बहुत ही ज्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा भी आपको समझ में आता आपके फ्यूचर में आगे ये हेल्प करेगा, समझ में आ रहा? Yes, तो दीज आर मशीन लैंग्वेज फीचर। नाउ फोर्थ फीचर ऑफ मशीन लैंग्वेज इज, इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू understand, it is difficult for human being to understand. अब देखिए fourth one ही, मतलब human being के लिए ये क्या होता, बहुत difficult होता है इसको समझना, क्योंकि सब कुछ 0-1 के term में लिखा रहता है, ठीक है ना, अब मान लीजिए fifth one ही, it is difficult to modify का मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, मान लीजिए आप कोई होमवर्क ही करते हैं, ठीक है, आपने होमवर्क कुछ कर रहे हैं और आपको पता चला कि मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ सपोज आपको जो होमवर्क मिला आप कुछ गलत करते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर जाकर और उसको रॉन्ग जो जिस लाइन पे रहता है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब कुछ जो है 0-1 के टर्म में ही है, तो पता ही नहीं चलेगा कि रॉन्ग कहाँ पर हुआ है, समझ रहे हैं, सब कुछ 0-1 पे टर्म है, तो ये हमारा जो भी है। यस आई हैव अ क्वेश्चन। यस आप So we give command to computer in 0-1, ये computer transfer, ये देखिए जैसे ये क्या होता है ना, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग अभी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे, ये पहले हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता था, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में सब कुछ 0-1 के टर्म में होता था, जो कि डिफिकल्ट था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को समझने में, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था, कुछ भी अगर गलती इसमें हुआ तो इसको मॉडिफाई मतलब चेंज करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि सब कुछ 0-1 में पता ही नहीं चल पाता था ये कहाँ पर क्या है, इस 0-0 का क्या मतलब है, इस 1-0 का क्या मतलब है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ये मॉडिफिकेशन करना बहुत ही प्रॉब्लम था, तो ये सब प्रॉब्लम के कारण ही हमारे पास सॉल्यूशन आया सेकंड असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ प्रॉब्लम था, उसके कारण हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, टोटली इंग्लिश जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस टाइप का है, तो आसानी हो गया हमारे लिए,
समझ में आ रहा? Yes, sir. So yes, so fifth point is it is difficult to modify. Difficult to modify means अब यहाँ पे पता चला जो एक्सपर्ट है उनको पता चला यहाँ पे जीरो जीरो जो है ये गलत है, जीरो जीरो नहीं है, यहाँ पे वन जीरो होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, सब मेरे लिए उर्दू लग रहा है, आपके लिए भी उर्दू लग रहा है, जीरो 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 वन क्या है, इस प्रोग्राम का मीनिंग कुछ नहीं समझ पा रहा कोई भी. So it is difficult to modify. So 5 points I have discussed today about machine language. Anyone have any doubt? Now one more point is it is machine language is it is easily understand it is easily understand it is easily understandable by computer. मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर. नाउ सो अप टू हियर एनीवन हैव एनी डाउट? नेक्स्ट वन इज नो सर. नो सर, नो डाउट. नेक्स्ट वन इज सो टाइम इज नॉट देयर सो वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन द नेक्स्ट क्लास. So if you wait, just wait for a minute. First feature you can write easily. Features of assembly language. Assembly language. What is the features of assembly language first? अब machine language में जो problem था ना उसको solve करने के लिए assembly language आया. So first one is machine language में क्या था? Machine dependent होता था. Try to understand सारा program. मशीन डिपेंडेंट होता था. तो ये प्रॉब्लम यहां पर भी है. मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट. ये भी पोर्टेबल नहीं होता था. नॉट पोर्टेबल प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल. थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शंस Yes, anyone want to answer? Instructions are present. Using the symbols like move, move and subtract. These kind of symbols are used. Hello, Gina. Bina, to tumang ko hindi kita. Kasi usko tigulo.